हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वाल्मीकि समाज के सैकड़ों युवाओं ने बुधवार को अपने संगठनों के बैनर तले एक जुलूस निकालकर सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाकर निष्पक्षता के साथ जांच करने की मांग की है। नगर परिषद से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे इन युवाओं ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती संपन्न होने के बावजूद अभी भी नगर निकाय पात्र अपात्र लोगों की सूची जारी नहीं कर रहे हैं, जबकि इसकी जानकारी उपलब्ध करवाना निकायों के नियम में है। इन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य लोगों को भी निश्चित सीमा से अधिक भर्ती देने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने मांग की है कि जिन लोगों ने नौकरी मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी है, उनके नाम हटाकर अन्य वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं पूरी की तो पूरे प्रदेश में सफाई व्यवस्था को ठप कर देंगे। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।